गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन यहाँ पे एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे मशीन्स वाला जो पेपर है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आज अपनी फिफ्थ क्लास यहाँ पे होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको चार क्लासेज प्रोवाइड करवा दी हैं। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लस प्लेलिस्ट में आपको वो सारी सारी क्लासेज शो हो जाएंगे। दोस्तों आज अपन यूनिट फोर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आप अपन रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रोटेशन एंड इरोटेशन मोशन जो है ये आपसे 2014 में, 16 में और 18 में आपसे पूछा गया है, तो हो सकता है इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमने क्या माना कि हमने माना कि हमारे पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा अभी। ओके, यहाँ पे हमने माना एक रेक्टेंगुलर, मतलब एक आयत माना ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ये हमने क्या माना, एक आयत माना माना दिशाएं आप बता सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, टू डेसिमल है। ठीक है, हमने क्या माना कि हमने इसकी जो वेलोसिटी है, हमने जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या मानी, तो ये ए बी पॉइंट है, इसके ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने मानी यू, और ए डी जो है इस पर हमने इसकी जो वेलोसिटी वो क्या मानी, वी मानी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये कब है, ये जब रोटेशन में नहीं है, मतलब ये इरोटेशनल है। और जब ये रोटेशन में होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमने क्या करा दिया, इसको थोड़ा सा रोटेशन करवा दिया, तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट होगा और ठीक है इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो ये एक रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। फिर जैसे हमने इसको रोटेट करवा दिया, तो यहाँ पे इसको मैंने बी डैश दिया, यहाँ पे सी डैश और ये डी डैश, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बी डैश पॉइंट के ऊपर वी प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स होगी। इसी प्रकार जो हमारा पॉइंट सी डैश है, इसके ऊपर जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, ध्यान रहेगा। हमने इस पॉइंट ए के ऊपर इसको कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है, और उसके बाद हमने क्या हुआ, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, यानी इसको रोटेशन दे दी। तो रोटेशन देने के बाद में हमारे पास ये वाला जो डॉटेड लाइन में जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये बनेगा। ठीक है, इस पर हमने इसकी वेलोसिटी डाल ली, इस पर इसकी जो वेलोसिटी हमें मिलने वाली है वो मान लिया। हमने माना कि यहाँ पे ये जो कोण बना, हमने इसको डेल थीटा वन के कोण के ऊपर डायरेक्ट जो रोटेशन करवाया था, तो यहाँ पर जितना कोण बना है इतना ही कोण यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, तो इस कोण को हमने नाम दे दिया डेल थीटा टू, क्योंकि यहां से जितना रोटेट हुआ था उतना ही रोटेट यहां पर हुआ होगा किसी बिंदु के, बिंदु ए के ऊपर, ये चीज भी आपको ध्यान रहेगी। तो क्या अब क्या करेंगे कि हम इन्हीं सभी चीजों को क्या करेंगे बताओ, ड्राइव करके बता देंगे एज ए थ्योरी के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी 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 जो कुछ भी बोला उसको मैं यहां पर फटाक से लिख देता हूं। हमने क्या माना था कि हमने माना था लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर, स्पेलिंग आप खुद चेक कर ले, है ना, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहता ही है, हिंदी मीडियम के से बिलोंग के, उसके बाद में एमएससी में जंप किया, फिजिक्स से मैथ्स से एमएससी करी, है ना, तब जाके थोड़ा सा इंग्लिश से डर खत्म हुआ है। हालांकि मैं बोल अच्छी लेता हूँ इंग्लिश, है ना। इन ए टू डायमेंशनल, यहाँ पे टू डायमेंशनल का मतलब क्या है, मतलब दो डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लो एंड लेट ए बी इक्वल टू डेल एक्स एंड ए डी इक्वल टू डेल वाई। ठीक है, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो हमारे हैं एट पॉइंट ए अलोंग, यहाँ पे पॉइंट ए इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर ही क्या किया था, इसको रोटेट किया था। ठीक है, अलोंग ए बी
इज यू, एंड ए डी पर जब ये इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या हुआ, देन ये रोटेट हो गया, रोटेट होने के बाद में जो वेलोसिटी आई, देन द वेलोसिटी कंपोनेंट एट ए अलोंग बी सी, बी सी, बी सी के ऊपर ये रोटेट हुआ है, तो यहां से बी सी पर क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने आपको बताई थी, वी प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, एंड अलोंग डी सी इच, डी सी के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो वेलोसिटी होगी बी, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होगी पॉइंट ए के सापेक्ष, रिलेटिव जो इसे पॉइंट ए से रिलेटिव जो वेलोसिटी बी पर होनी चाहिए थी वो, और बी से सी के ऊपर जो पॉइंट बी डैश के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो, सो द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये किस और बी सी के ऊपर जो क्या होगी, माफ करना, ये बी सी के ऊपर होगी, है ना, अलोंग अलोंग बी सी, एंड वेलोसिटी ऑफ डी, डी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिलेटिव टू ए इज डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अलोंग डी सी। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। तो हम इन चीजों को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे यहां पे। देखना यहां पे ये डायग्राम भी मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा साथ साथ में। देखो ये जो हमारा पॉइंट है बी बी डैश, ठीक है, हमारा जो पॉइंट है बी बी डैश, कहां गया मैं, कहां लिख रहा हूं, अच्छा यहां पे लिख रहा हूं, बी बी डैश इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल t, और d d डैश पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y डेल t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट्स लेंगे, क्योंकि एक लिमिट्स तक ही तो रोटेट हो सकता था, उसके बाद रोटेट होना बंद हो जाता, तो वो क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा वन अपॉन डेल टी। थीटा वन क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर हमने इसको डेल थीटा तक ही क्या कहता है, थीटा कोण के ऊपर, डेल थीटा कोण के ऊपर हमने क्या किया था, इसको रोटेट किया था, इसलिए ध्यान रहेगा। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, लिमिट डेल टेंस टू जीरो टेन डेल थीटा वन अपॉन डेल टी लिख सकते हैं सिंपली। तो टेन थीटा क्या होता है, अब टेन थीटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस थीटा कोण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखना ए बी बी डैश। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए था आपको, कोई बात नहीं, पर ये ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए बी बी डैश से हमें क्या मिलेगा, जनरली आप जो है उन चीज़ों को समझते हैं करते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ए बी और बी डैश, ठीक है, तो यहां से हमें डेल थीटा वन की क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, डेल थीटा वन की जो वैल्यू मिलेगी वो हम क्या करेंगे, इस लिमिट्स के अंदर पुट करेंगे, और उन लिमिट्स का हमें क्या मिलेगा, एक एवरेज पॉइंट मिलेगा, और उस एवरेज पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा,
हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पैसा, कुछ ऐसा है ना। और हिंदी मीडियम से बिलोंग करे होंगे तो आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे काका, या फिर और भी कई सारे टर्म्स आपने सोर्स सोर्स बना रखे होंगे तो उन्हीं के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, हिंदी में, हिंदी मीडियम में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट्स होंगी वो क्या बनेंगी, ये बनेंगी डेल थीटा से टेंस टू जीरो। इसकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी बी डैश से, तो वो मिलेगी हमारे पास बी बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये टेन डेल थीटा वन की वैल्यू है, यहाँ से अपॉन ये डेल टी एच डी साइज रहेगा, ठीक है। बी बी डैश की वैल्यू हमारे पास है, बी बी डैश की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये बी बी डैश की वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे थोड़ा सा, है ना। डेल टी टेंस टू जीरो, तो बी बी डैश की वैल्यू तो हमारे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी, ओके। और ये ए बी था तो ये ए बी इसके अपॉन में रह जाएगा और ये डेल टी साथ में रह जाएगा, डेल टी से डेल टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और ए बी बराबर हमने क्या माना था, ए बी बराबर हमने माना था डेल एक्स माना था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हम साथ में क्या करेंगे पुट कर देंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू क्या थी, डेल एक्स थी, ध्यान रहेगा इतना, ये आर नहीं ये एक्स है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक्स जो है ये डेल एक्स इसको कट कर देगा, तो हमारे पास अल्टीमेट जो है वो क्या बना, यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा वन अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डेल वी अपॉन डेल एक्स मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने जो हमारा एक्स एक्स पैरेलल था इस पर हमने क्या किया था, इस पर हमने इसको थीटा वन डायरेक्शन में रोटेट किया था, उसी प्रकार अब ये वाई एक्सिस पे क्या होगा, थीटा टू डायरेक्शन पे, सॉरी थीटा टू डिग्री के एंगल पे क्या होगा, रोटेट होगा, क्योंकि हमने इसको किसी पॉइंट ए के ऊपर, हमने इसको किसी पॉइंट ए के ऊपर क्या किया था, रोटेट किया था, इसलिए तो हम यहाँ पे थीटा टू की वैल्यू जो है वो भी निकालने वाले हैं। अगेन स्टेप है वो क्या होगी, हमारा जो ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया था उसको डेल थीटा टू डायरेक्शन में उसको क्या किया था, रोटेट किया था, तो हम अब हम हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा ए, यहाँ से ये ए डी और डी डैश, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा टू अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो टेन डेल थीटा टू अपॉन डेल टी, ठीक है। तो हमारा जो ट्राइंगल है ए डी डी डैश से, हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डी 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 वन अपॉन ए डी अपॉन डेल टी। अब ये कैसे हुआ इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, क्योंकि लंब बटा आधार है ना, टेन कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डी डी डैश की वैल्यू अपने पास है तो वैल्यू को क्या करेंगे पुट अप कर देंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई डेल टी, यहाँ से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो अल्टीमेट बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा टू अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये वाली कंडीशन बनेगी, पहले वाले से हमारे पास ये कंडीशन बनती है, दूसरे वाले से ये वाली कंडीशन हमारे पास बन के आती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू एक बटा दो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि इन दोनों का योग, एवरेज का मतलब इन दोनों का योग जो होगा, हमने रोटेशन दिया था थीटा वन डायरेक्शन पे, थीटा वन एंगल पे और थीटा टू एंगल पे, तो वहां से हमें यहाँ पे क्या मिलेगी,
एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या है, रोटेशन है, ठीक है। अगर ओमेगा इक्वल टू जीरो हो, इफ ओमेगा इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। और ये जो फ्लो है ये क्या कहलाएगा, देन फ्लो इज कॉल्ड इररोटेशनल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इन रोटेशनल कहलाएगा। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारे पास तीन कंपोनेशन है, सॉरी कंपोनेंट्स हैं रोटेशन में, ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द रोटेशन, ठीक है। क्या है, ओमेगा एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, वाई इक्वल टू हाफ ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और डेल डब्ल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर डब्ल्यू एक्स सॉरी ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड अगर ये इरोटेशनल होते, इफ ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड आर इरोटेशनल, देन क्या होता कि ओमेगा एक्स बराबर जीरो होता, ओमेगा वाई इक्वल टू जीरो होता और ओमेगा जेड इक्वल टू जीरो होता। ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड की वैल्यू अगर इस कंडीशन में जीरो होती तो हमारे पास जैसे ये वाला जो फंक्शन आया था यहाँ से रोटेशन में, ओमेगा इक्वल टू जीरो हुआ तो हमारे पास यहाँ से ये वाला फंक्शन बना, सिमिलरली हमारे पास यहाँ से ये सारे फंक्शन जो है वो बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे जरा एक बार देख लेते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल जेड, दूसरे से हमारा जो फंक्शन है वो बनेगा डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और तीसरा जो फंक्शन है वो बनेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये तीन फंक्शन जो है हमारे पास बन के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा इनका, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने पेपर की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए।